और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से मिल रही है जहां पन्ना यादव बीजेपी में शामिल हुई हैं। दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। भोपाल से खबर, रतलाम की घटना पर बोले दिग्विजय सिंह, कोई भी हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बीजेपी ने नफरत के बीज बोए हैं। कोई धर्म नफरत नहीं फैलाता, जो धर्म की परिभाषा नहीं समझते वो नफरत फैलाता है। देश में हिंदू खतरे में नहीं है, ये सिर्फ डर फैलाते हैं। रतलाम की घटना पर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। नफरत का बीज बोए हुए हैं क्योंकि हर स्तर पर ये फेल हो गए हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, खाद मिल नहीं रही है। तो इनके पास 1925 से लेकर आज तक केवल एक एजेंडा है, नफरत। और नफरत जो है कोई धर्म नहीं फैलाता, नफरत वो फैलाते हैं जो धर्म की परिभाषा नहीं समझते, इंसानियत के खिलाफ है, भारतीय संविधान के खिलाफ है, वही इस देश में नफरत फैला रहे हैं। कोई भी हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई अगर जात पे करता है, जबरदस्ती करता है, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत पारसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, रतलाम की घटना पर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है और कहा है कि चाहे कोई भी उस पर कार्रवाई होना चाहिए, बीजेपी ने नफरत के बीज बोए हैं, कोई धर्म नफरत नहीं फैलाता। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा ही बयान देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नजर आए हैं। कांग्रेस पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने, लेकिन जब मीडिया से उनकी चर्चा हुई थी इस मामले पर बोलते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा हिंदू करे या मुसलमान, जो भी इस तरीके की ज्यादती करता है उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये कहे कि बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा है, साफ तौर पर यह भी कहते हुए नजर आए कि बीजेपी ने नफरत के बीज बोए हैं। पहले दिन से आज तक सिर्फ नफरत के ही बीज बोते जा रहे हैं। नफरत कोई धर्म नहीं फैलाता, नफरत वो लोग फैलाते हैं जो धर्म की परिभाषा नहीं समझते। देश में हिंदू खतरे में नहीं है, ये सिर्फ डर फैलाते हैं। किसी प्रकार से जो लगातार बयानबाजी होती है, उस बयानबाजी के चलते कहीं ना कहीं दो समुदाय के लोग आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन इस तरीके की राजनीति से लोगों को बचना चाहिए, और जो इस तरीके की जो बयानबाजी जब होती है तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बीजेपी पर तो निशाना साधा है, साथ ही साथ जिस तरीके के जो बयान सामने आए और जिस तरीके की घटना सामने आई उसमें कार्रवाई की बात भी कही है। जी बिल्कुल दुष्यंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।